नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। दिवाली का पर्व हिंदू धर्म में खास मान्यता रखता है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का खास महत्व है। मान्यता है कि दिवाली की रात शुभ मुहूर्त में विधिवत पूर्वक पूजा करने से लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है। शास्त्रों में लक्ष्मी जी को धन की देवी बताया गया है। कलयुग में लक्ष्मी जी की पूजा वैभव प्रदान करने वाली मानी गई। वहीं दिवाली यानी दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की भी पूजा करते हैं। अगर आप गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति आज खरीदने जा रहे हैं तो कई जरूरी बातों को ध्यान में रखना आपके लिए आवश्यक है। लक्ष्मी गणेश आपस में जुड़े हुए नहीं खरीदने चाहिए, इसे शुभ नहीं माना गया। दोनों विग्रह अलग अलग होने चाहिए। श्री गणेश जी के दाहिने हाथ की तरफ लक्ष्मी माता को बैठाएं, यानी स्वयं सामने से देखने पर गणेश जी लक्ष्मी जी के दाहिने तरफ स्थापित हों। गणेश जी की सूंड का भी महत्व है। गणपति की मूर्ति में उनकी सूंड उनके बाएं हाथ की तरफ मुड़ी होनी चाहिए। दाईं तरफ मुड़ी हुई सूंड तांत्रिक साधना हेतु उपयुक्त होती है। कई मूर्तियों में देखा गया है कि सूंड में दो घुमाव होते हैं, ऐसी मूर्ति ना लें। वही मूर्ति खरीदते वक्त हमेशा गणेश जी के हाथ में मोदक हो, ऐसी मूर्ति सुख समृद्धि का प्रतीक है। ये मोदक बाएं हाथ में होना अति शुभ माना गया है। यानी गणेश जी की सूंड मोदक या लड्डू की ओर मुड़ी हुई होना ये शुभ है। ध्यान रखें कि गणेश जी का वाहन यानी मूषक की उपस्थिति भी बहुत जरूरी है। आजकल वैसे बाजार में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां अधिक उपलब्ध हैं, लेकिन मिट्टी की मूर्ति लेना ही शास्त्र सम्मत है। अगर मिट्टी की अच्छी आकर्षक मूर्ति उपलब्ध हो तो उसको ही चुनें। लक्ष्मी माँ की मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि कमल पर विराजित मूर्ति लें, उल्लू पर सवारी करती हुई नहीं खरीदें। लक्ष्मी माता का हाथ वरद मुद्रा में हो और हाथ से धन की वर्षा हो रही हो, आशीर्वाद देती माँ की मूर्ति शुभ रहेगी। वही ऐसी मूर्ति ना लें जिसमें लक्ष्मी गणेश जी खड़े हों। देवी देवता आराम से आसन ग्रहण करके आशीर्वाद दें, ऐसे भाव वाली मूर्ति ही अच्छी मानी गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।